फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपने सैमसंग गैलेक्सी में जो लॉक स्क्रीन होती है ना उसको कस्टमाइज कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही हाई लेवल का। सारी चीजें बताऊंगा, बहुत ही सिंपल स्टेप से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में जो लॉक स्क्रीन होती है उसको बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज कर पाएंगे। कहाँ कर पाएंगे, कैसे मिलेगा, सब आपको डिटेल बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले और हो सके मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर ले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। दोस्तों जैसा कि मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में जो लॉक स्क्रीन होती है उसको कस्टमाइज़ कर पाएंगे अच्छे लेवल में, बहुत ही अच्छे लेवल में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की गुडलॉक वाली ऐप में। गुडलॉक वाली ऐप में जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर लॉक स्टार वाले मॉड्यूल में। अगर आपने इंस्टॉल नहीं करा हो तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर चले जाना है आपको लॉक स्टार वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आपकी पहले लॉक स्क्रीन होगी वैसे दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में घड़ी को कस्टमाइजेशन करना है तो उसको मूव ऑन कर लीजिए जहाँ पर आपने वॉच को सेट आउट करना है। उसके बाद क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे किस फॉर्मेट में आपको अपने वॉच को रखना है। बहुत सारे इसमें आपको प्री इंस्टॉल या प्री डिफाइंड आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जौन सा भी आपको सेट आउट करना है आपको उस पर क्लिक कर लीजिए। जौन सा सेट आउट करना है उसका स्केल को यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं कम ज़्यादा कि कितना चाहिए, आपने अपने स्केल अपने हिसाब से अपने बढ़ा लीजिए। जिस स्केल में सेट आउट करना है वो सेट आउट कर दीजिए। इसके बाद आपको नीचे मिलेगा आइकन्स वाला ऑप्शन, आइकन्स को भी आपको जहाँ सेट आउट करना है आप उसको यहाँ से यूँ पकड़िए, यूँ उठा के यहाँ पर ले आइए जहाँ पर आपको सेट आउट करना है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो तरीके की नोटिफिकेशन स्टाइल मिलती है। इसमें कर देंगे तो वो लॉक स्क्रीन जैसे कि कोई नोटिफिकेशन आएगी तो पूरी शो करेगी। अगर आप नहीं चाहते नोटिफिकेशन में कोई भी उसको रीड करे तो आप उसको यहाँ पर ऐसा कर दीजिए ताकि कोई रीड नहीं कर पाएगा। उसका स्केल कितना हो, छोटा बड़ा हो, वो सेट आउट कर सकते हैं। किस कलर में आपकी नोटिफिकेशन आई वो भी आप यहाँ पर सेट आउट कर पाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यह मिलेगा आपको अगर आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक प्लेयर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप नहीं चाहते म्यूज़िक प्लेयर आपकी लॉक स्क्रीन में दिखे तो आप हटा सकते हैं। अगर वापस लगाना हो तो वापस यहाँ पर टैप करिए और वो वापस आपका एड ऑन हो जाएगा। और चाहें तो उसको अपवर्ड या फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन, जो भी आप यहाँ पर टैगलाइन डालेंगे वो आपकी कहाँ दिखे ऊपर नीचे आप वो भी सेट आउट कर सकते हैं। और जहाँ चार्जिंग का ऑप्शन भी दिखे, जैसा कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। कितने बड़े स्केल पर दिखे, कितना छोटा दिखे वो भी सेट आउट कर सकते हैं। उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी हो, कैसा ट्रांसपेरेंसी हो, किस कलर में वो लाइन दिखे या किस उसमें दिखे वो भी आप यहाँ पर सेट आउट कर पाएंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको और कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिला, आप ये चेंज आउट कर सकते हैं। मान लो ये जो नीचे की ऐप दिखती हैं शॉर्टकट्स, आप चाहते हैं इसके अलावा आप ऐप शॉर्टकट्स को ऐड ऑन करना, आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं और इसमें अलाइनमेंट भी डाल सकते हैं कि किस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस अलाइनमेंट में आए, इस अलाइनमेंट में आए, इस अलाइनमेंट में आए एंड देन इस लाइनमेंट पर। जैसे कि मैंने इस अलाइनमेंट को सेट कर लिया और यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप 5 इकट्ठी ऐप्स को सेट आउट कर पाएंगे। सब यहाँ पर डन करने के बाद आपको एक एक ऐप को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप एक एक ऐप्स को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करिए एक एक ऐप को, कौन सी ऐप को आपको लगाना है उस ऐप को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। 5 ऐप्स लगाना है, लाइक मुझे यूट्यूब लगानी है, गैलरी लगानी है, यहाँ पर मुझे जो मेरा मेन मेन ऐप्स है जो मैं चलाता हूँ सबसे ज़्यादा वो मैं वहाँ पर सेट आउट करना चाहता हूँ। मैंने पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी 6 ऐप्स यहाँ पर ऐड ऑन कर लिए। जो जो मुझे सबसे ज़्यादा ऐप चलाता हूँ मैंने वो सारी ऐप्स यहाँ पर ऐड ऑन कर लिए और आपको इसको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब अप्लाई हो गया, 6 ऐप्स यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। अब यहाँ से मैं इसको ऑफ़ करूँ और जब भी अब मैं जाऊँगा तो ये यहाँ पर आपको 6 ऐप्स ऐसी दिखेंगी। ठीक है, ये हो गया है और इसको आपको अब कर लेना है यहाँ से सेव, इसको आपको कर लेना है अब यहाँ से सेव। अब सेव करने के बाद अब अपने लॉक स्क्रीन को आप यहाँ पर अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाएंगे और ये अच्छे से कस्टमाइज़ हो गया। अब मैं अपने मोबाइल को यहाँ पर लॉक करूँगा तो आप देखेंगे आप इसको लॉक स्क्रीन को कितने शानदार से तरीके से ये कस्टमाइज़ हो चुकी है। जैसा कि मैंने वहाँ पर डिज़ाइन किया था बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सारी ऐप्स मेरी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में लॉक स्क्रीन को अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।